कहाँ छुपे हो? हमारे सामने बाहर आ जाओ। सेकंड भाई संभाल के। शक्ति दीजिए भोलेनाथ, ना क्यों नहीं बन सकती, शक्ति दीजिए हमें। आज इस नागिन को पकड़ कर ही रहेंगे। कहाँ छुपी हो? हमारे सामने बाहर आ जाओ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। बबूत निकालो, मारो उसके ऊपर ताकि हम इसके ऊपर काबू पा सके। रमन, कुछ मिला तुमको? नहीं मम्मी जी। ढूंढो, अच्छे से ढूंढो, फिर से देखते हैं। हाँ जाओ। हाँ रमन, रमन, अरे जल्दी आओ। जी मम्मी जी। मम्मी जी, कहीं इससे खजाने का दरवाजा तो नहीं खुलता? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया तुम दोनों ने। यही है वो नागिन। अब मैं तुम दोनों की मदद से इसे ट्रेनिंग दूंगा और अपने सर्कस का नाम पूरी दुनिया में मशहूर कर दूंगा। कहते हैं अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत पाती है, गलत कहते हैं, जीत हमेशा बुराई की होती है। अब तेरा खेल खत्म नागिन, फिर हम चलते हैं। हाँ चलते हैं। ये आवाज कैसे? ये क्या? क्या हो रहा है ये सब? पता नहीं। कौन है आप लोग? हम यहाँ फायर ड्रिल के लिए आए, हमें देखना है कि इस सर्कस में फायर सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है कि नहीं। अरे यहाँ सब कुछ ठीक है, चेक करना है तो आपका लाना। नहीं, चेकिंग तो अभी होगी और आप हमें रोक नहीं सकते। ये लीजिए। चलो ड्रिल शुरू करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, सरकारी अफसर है, ऐसे कुछ बोलेंगे चढ़ जाएगा हम पे। मैं क्या बोल रहा हूँ, चिंता ना करो, भाइयों ने आपका, छोटा भाई है, संभाल लेगा, सब संभाल लेगा।
हाँ जी ऑफिसर जी, क्या करना है क्या बताओ जी? मुझे एक वॉलंटियर चाहिए। वॉलंटियर आपके सामने है जी। चलो ड्रिल स्टार्ट करो। ठीक है, एक सेकंड। वो पिंजरे ही थी, बाकी कमरे की चाबी दे दो। चाबी क्यों चाहिए तुझे? वो क्या है ना कि वो हर जगह चेकिंग होगी, जल्दी से चाबियां लेकर आइए, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। चिंता ना करो, आपका भाई है ना, सब संभाल लेगा, कुछ नहीं होने देगा। ऑफिसर जी चलो आ जाओ। देखो अगर तुम इस नागिन को उस मैनेजर को दे दोगे ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें इतने पैसे देगा जिससे तुम्हारा एक दो साल गुजारा हो जाए। लेकिन अगर तुम इसे आग में जला के मार दोगे, तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी कि तुम्हारे साथ पुश्त तक बैठकर खाएंगे। आप इसे मारना चाहती है? नहीं नहीं, अगर ये काम तुम कर सकते हो तो मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूंगी भला, है ना? पर वैसे भी देव को अगर पता चल गया तो मुझसे और भी गुस्सा हो जाएगा रब्बा। ठीक है? ठीक है, जो आप कहेंगे हम करेंगे। चलो सब लोग जल्दी बाहर जाओ, चलो जल्दी जल्दी, यहाँ फायर ड्रिल चल रहा है, जल्दी बाहर जाओ ना भाई, बाहर जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। सेकंड, ओ भाई संभाल के। मोहिनी ने वादा किया है कि वो मुझे अमीर आदमी बनाएगी, और अब इस नागिन को मरना ही होगा, नागिन को मरना ही होगा। ये सब किसने किया? इन्हें किसने डसा? इनके शरीर में जहर फैल चुका है। अगर हम पिटारे में बंद थे तो हमारी रक्षा किसने की? वो है कौन? कौन है वो जिसने हमारी जान बचाई? हम शुक्रिया भी नहीं कर पाए। कौन है वो? सरगम, पारुल को तो रास्ते से हटा दिया, अब मैं आसानी से देव का दिल जीत सकती हूँ। तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकती, ये मेरा जादू है और कोई नहीं तोड़ सकता।
खोल दो। बोल बोल। सरगम बेटा आप ठीक हो ना? आपने बुलबुल को देखा कहीं? बुलबुल बुलबुल बेटा ये नागिन जिंदा कैसे है? ना तुम में इतनी हिम्मत है ना ही औकात की हमारी जान ले सको, क्योंकि भोलेनाथ का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। बच्चों चलो बाहर। सरगम चलिए बच्चों सब लोग बाहर निकलिए। चलिए बुलबुल देव बुलबुल का बुलबुल सरगम बुलबुल का बुलबुल बुलबुल हाँ वो जुजुबा हमारे साथ आई थी ना आपके घर पे, बच्ची आई थी बिल्कुल वैसी लगती है हमारी बुलबुल, आपने देखा उसे? जुजुबा मेरा नाम है, ये कैसा अजीब सा नाम है? जुजुबा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम तो बुलबुल है। हाँ याद आया, वो अभी तो यही थी। कहाँ गई? पर पता नहीं कहाँ गई। कहाँ गई? कहाँ जा सकती है? कोई बात नहीं अब बाहर चलिए। अभी यहाँ से निकलो चलो। बुलबुल बुलबुल बेटा बेटा आंखें खोलो, बेटा उठो, बच्चा उठिए ना, देखिए माँ माँ यहाँ है, पापा है यहाँ पे, उठिए ना बेटा, क्या हुआ बुलबुल को? बुलबुल माँ हम यही है। बुलबुल अब ठीक तो है ना? हाँ माँ। पर बेटा आप बाहर कैसे आई? पता नहीं माँ मुझे कुछ याद नहीं। मारो इस वक्त वक्त नहीं, फौरन यहाँ से निकलना होगा हमें। हाँ चलो चलो चलो। ये कैसे हो सकता है रंभा? पारो बच गई और बुलबुल इस दरवाजे से बाहर कैसे आ सकती है? पता नहीं जी जी। चलो इंस्पेक्टर साहब यही दोनों है वो बच्चा चोर, इन दोनों ने मेरे सर्कस से दो बार बच्चे चुराने की कोशिश की, इनको अरेस्ट कर लीजिए और कभी मत छोड़िएगा। चलिए यू आर अंडर अरेस्ट। अब इन दोनों को समझ में आएगा बच्चा चोर कहीं के। अच्छा तो हम बच्चा चोर तो फिर तुम क्या हो? इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहा है इंसान, हम तो उल्टा बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चों से इतना खतरनाक कर्तव्य करवा रहा है और बिना किसी सेफ्टी के, ताकि दो पैसे एक्स्ट्रा कमा सके आदमी। अरे क्या बात है मतलब, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है? सबूत मेरे पास इंस्पेक्टर साहब, मैंने इस आदमी की ना तो वीडियो निकाली थी, देखिए। साहब ये सब झूठ है, ये सब झूठ बोल रहा है, ये फालतू की बातें कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मैनेजर साहब सर्कस में चला की नहीं, अब जेल में जाके चक्की पीसना, बहुत हो गया तुम्हारा। इंस्पेक्टर साहब मेरा नाम देव पांडे है, कमिश्नर साहब अच्छे से जानते हैं हमें, आप चाहे तो पूछ सकते हैं उनसे। अरे मिस्टर देव आपको कौन नहीं जानता, और आपके ऊपर इस फालतू मैनेजर के बात हम थोड़ी सुनेंगे, वैसे भी वो साबुत है इसके खिलाफ। छोटे छोटे बच्चों के जान दांव पे रख कर इतने खतरनाक स्कैन कराते हैं ना, चल अब हम तुझसे कर्तव्य करवाएंगे। इंस्पेक्टर साहब गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा से नहीं करूंगा। इंस्पेक्टर साहब आप तो तू और भी रोएगा। पर मेरे सर्कस का क्या होगा? तेरा सर्कस बंद होगा, आज ही सरकारी नोटिस तैयार करवा देंगे, तू बस अपनी फिक्र कर, ले चलो इन्हें। अरे साहब भाई जी को का? भाई जी, अरे भाई जी पारो अब तू ये घूंघट हटा दो। हाँ
काफी टाइम हो गया तुम्हारी शक्ल देखे। हमें घर पे चल के अच्छे से निहार लेना। चले चलो चलो बच्चे कहाँ गए? सरगम, बुलबुल, बुलबुल, सरगम, सरगम, बुलबुल, सरगम, बच्चे कहाँ थे? सरगम, रुक जा सरगम, कहाँ जा रही है तू? माँ पापा ने हमें साथ रहने को कहा है ना? वो तेरे मम्मी पापा है, मेरी नहीं। तू रह मेरे साथ, मैं मेरे बाबा की पास जाऊंगी। बेटा, बाबा की याद आ रही है? बाबा के पास जाना? आप जानते हो मेरे बाबा को? जब आप इतने से थे ना, तब से आपके बाबा को जानते हो। आंटी, आप मुझे उनके पास ले चलोगी ना? इसलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ, आपको आपके बाबा के पास ले जाने। चलो। रुक जा सरगम, उनकी बात मत सुन। कि अपने मैजिक से कुछ भी उल्टा फुल्टा करती है, कि तुझे तेरे बाबा के पास नहीं लेके जाएंगी। क्या कहा तुम? क्यों नहीं लेके जाऊंगी मैं उसे उसके बाबा के पास? जाने दो आंटी, आप इसकी बात मत सुनो। पता नहीं है मेरे पीछे क्यों पड़ी है। आप मुझे मेरे बाबा के पास ले चलो। इसलिए तो आई हूँ मैं यहाँ पर। चलो बाबा के पास चलते हैं। सही कह रही हो तुम, इससे बात ही नहीं करनी हमें। भोलेनाथ जी, पता नहीं आंटी सरगम के साथ क्या करेंगी। रमन, ये क्या है? इसको जानने का बस एक ही तरीका है। दोनों हाथों से कोशिश करते हैं। मैं संभाल के। रमन, अरे कहाँ हो तुमको? तुमको इतने पसीने कहाँ आ रहे हैं? रुको। पता नहीं मम्मी, अचानक से जोर का झटका लगा। जीजी, ये किस लिए है? आजकल पारो कभी भी इस कमरे में आ जाती है रंभा। तुमने पारस पत्थर देखा है? जैसे उस पत्थर को छूने से कोई भी चीज सोने की हो जाती है, वैसे ही कोई भी अगर इस यंत्र को छुएगा और फिर उसके बाद वो किसी भी चीज को छुएगा तो वो चीज सोने की हो जाएगी। क्या जीजी, क्या शैतानी दिमाग है आपका? कहाँ कहाँ से लाती है ये तरीके? शैतानी नहीं, डरावना भी। हाँ वो तो है। ये कैसे हुआ? हे रमन, ये तो सोने का हो गया है। मम्मी जी, अरे ये तुम्हारी छड़ी, ये सोने की हो गई है। ये बात सिर्फ तुझे और मुझे पता है कि सरगम देव की बेटी है। चुप जा, सरगम को लेके यहाँ से निकलो। कहाँ है? गेहूं की बोरी में। अरे रोमन, तुम जो भी चीज सो रहे हो सब सोना बन रही है। अरे
हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अरे पैसों की बारिश होगी, बारिश घर में। रमन चलो बाहर जाके ना तुम सारी चीजों को हाथ लगा दो, सबको सोने का बना दो। चलो 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 चलो। रुक जा सरकम, इनकी बात बात मान। ये मैजिक से कुछ भी उल्टा उल्टा कर सकती है। तू पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। माँ पापा ने मुझे तेरा ध्यान रखने के लिए कहा है। मैं तुझे इनके साथ नहीं छोड़ सकती। कितना बोलती हो तुम, हाँ सारी बातें मानती हो क्या तुम अपने माँ पापा की? हाँ मैं अपने माँ पापा की बात मानती हूँ। इतना प्यार। चलो ठीक है, अब देखते हैं कि तुम्हारे माँ पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं और वो तुम्हें कैसे ढूंढते हैं। बुलबुल। सरगम बेटा। बुलबुल सरगम कहाँ गए? चलो वहां चलो। ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, माँ पापा इधर ही आ रहे हैं। ये बात सिर्फ तुझे और मुझे पता है कि सरगम देव की बेटी है। चुपचाप सरगम को लेके यहाँ से निकलो। कहाँ है वो? गेहूं की बोरी में। अब देखते हैं तुम्हारे माँ पापा तुम्हारी आवाज कैसे सुन पाते और कैसे ढूंढ पाते। सरगम। बुलबुल। सरगम बुलबुल। बुलबुल बेटा। तुम्हारी पुकार तो इन बच्चों तक पहुंच पा रही है, लेकिन बेचारे इन बच्चों की पुकार ये तुम तक कैसे पहुंचेगी? ये बात सिर्फ तुझे और मुझे पता है कि सरगम देव की बेटी है। चुपचाप सरगम को लेके यहाँ से निकलो। कहाँ है वो? गेहूं की बोरी में। ये बात सिर्फ तुझे और मुझे पता है कि सरगम देव की बेटी है। चुपचाप सरगम को लेके यहाँ से निकलो। कहाँ है वो? गेहूं की बोरी में।